नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद तहसील चौराहे पर चीन का पुतला फूका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कहा कि चीन द्वारा LAC के उल्लंघन पर भारत की सेना द्वारा उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाना जरूरी है। उधर कार्यकर्ताओं ने सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए चीन के पुतले पर आग लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया है और चीन का सामान देश में उपयोग न करने के लिए लोगों से आह्वान किया। कार्यकर्ताओं ने बिजनौर के नजीबाबाद के रेलवे चौराहे पर लद्दाख की गलवान घाटी में LAC का उल्लंघन करने के मामले और इस उल्लंघन के दौरान हुए भारत के शहीद सैनिकों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका। पार्टी के जिला संयोजक ने कहा कि संगठन केंद्र सरकार से अपील करता है कि अब वह समय आ गया है कि चीन को उसी भाषा में जवाब दिया जाए। साथ ही अपने देश के लोगों से कार्यकर्ताओं ने अपील की है कि वह किसी भी तरह से चीन देश में निर्मित वस्तुओं का उपयोग न करे और निर्मित इन वस्तुओं का बहिष्कार करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करे। आपको बता दें कि भारत देश में चाइना से जो सामान आता है उसका बहिष्कार करें और जो मोबाइल पर टिकटॉक जो चीन द्वारा चलाया गया है इसको बंद करें और मोबाइल कंपनी से इस संबंध में सख्ती से पेश आएं। सरकार और देश की सेना का हौसला बनाए रखें। उसके बाद से हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनकी शांति के लिए और चीन को एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये चीन सरकार का पुतला दहन किया गया है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से। सभी व्यापारियों से, उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चीनी सामान का बहिष्कार करें और स्वदेशी अपनाएं। धन्यवाद। से उत्तर प्रदेश लोक व्यापार मंडल से मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप सब लोग से, व्यापारियों से, छोटे बड़े व्यापारी और उपभोक्ताओं से कहना चाहता हूँ, विदेशी सामान का बहिष्कार करें, बस विदेशी अपनाएं और विदेशी बगाएं, देश का राजस्व बढ़ाने में गति दें। सामग्री हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ रही है उसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उसे जो चीन का सामान